यानी कि किसान को अगर से 1 एकड़ की खरपतवार हटाना है या पेरना है तो 100 रुपए के अंदर में उसका काम हो जाता है। दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसे इनोवेटर जुड़े हैं जो खुद एक किसान हैं और उन्होंने हमारे देश के किसान भाइयों के लिए एक ऐसे मशीन इन्वेंट किए हैं जो ट्रैक्टर से सस्ता और ट्रैक्टर के तरह ही कारगर है। तो चलिए मिलते हैं मकबूल शेख जी से और जानते हैं उनके बुलेट ट्रैक्टर के बारे में। नमस्कार मकबूल जी, आपका स्वागत है, नमस्कार, आपका स्वागत है नमस्कार, टूल्स इंडिया के थैंक चैनल में। कैसे हैं आप यू। एकदम अच्छा हूँ मैडम, बढ़िया है। बताइए सर, हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में बताइए। जी मैडम, मैं निलंगा से हूँ, महाराष्ट्र में पड़ता है ये निलंगा, लातूर जिले में आता है। और यहाँ पे हमारा एक छोटा सा वर्कशॉप है जो कि एक 20 25 30 साल पहले से हम ट्रैक्टर रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं। तो छोटे से वर्कशॉप में से ट्रैक्टर रिपेयरिंग करते करते हमने उसको थोड़ा डेवलप करते अभी हमने एक ट्रैक्टर का मॉडल बनाया जो 10 HP का, और वो 10 HP का मॉडल में हमने उसमें PTO, हाइड्रोलिक, जो भी बड़े ट्रैक्टर में, जो भी कंपनी के बड़े बड़े ट्रैक्टर में और छोटे ट्रैक्टर में जो भी आता है वो पूरा फैसिलिटी उसमें लगा के हमने बनाया है। 10 HP का एकदम छोटा मिनी ट्रैक्टर बनाया है जिसका कि वजन 450 kg है। अब कोई भी मिनी ट्रैक्टर लेने गए तो 700 800 किलो वजन का रहता है, हमारा ट्रैक्टर सिर्फ 450 किलो का है। उसके लिए किसी भी पीक में गया तो फसल को नुकसान नहीं करेगा, जमीन दबेगा नहीं उससे, और जो उसकी चौड़ान है सब ट्रैक्टरों से कम है मैडम, जो कि 30 इंच चौड़ान है उसकी। वो किसी भी 4 फीट के शुगर केन में, 4 फीट के कॉटन में एकदम इजी से काम कर सकता है। और डीजल माइलेज का अगर से सोचे तो 1 लीटर डीजल में एक सवा से 1.5 घंटा चलता है। यानी कि किसान को अगर से 1 एकड़ की खरपतवार हटाना है या पेरना है तो 100 रुपए के अंदर में उसका काम हो जाता है। उसके अलावा फिर हमने कुछ किसान ऐसे हैं कि 1 एकड़ 2 एकड़ वाले, उनको हम 1,70,000 में 10 HP का ट्रैक्टर बेच रहे हैं, ये भी लेना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। मुश्किल हो उसलिए जाता हमने है। 5 HP का एक उसमें मॉडल बनाया है छोटा, जो कि एकदम छोटे किसानों के लिए है। उसमें 5 HP में 2 मॉडल हैं, एक पावर टिलर है जो कि आदमी को पीछे चलना पड़ता है, उससे भी खरपतवार हटा सकते हैं, पेरनी कर सकते हैं, स्प्रेयर जो दवाई मारने का काम है एकदम आसानी से एक आदमी कर लेता है। और उसमें फिर कुछ लोगों को ऐसा है कि कुछ लोग जरा थोड़ा थके हुए ही हैं, समझो 1 2 एकड़ वाले भी हैं, लेकिन कुछ लोग जरा उम्र ज्यादा रहता है, उनको भी फिर उसके पीछे चलना मुश्किल हो जाता है। उसके लिए हमने 5 HP वाले में बैठ के चलने वाला एक मॉडल बनाया है जो कि ऊपर बैठ के काम कर सकते हैं, उससे भी खरपतवार हटा सकते हैं, पेरनी कर सकते हैं और स्प्रेयर का यानी कि दवाई मारने का काम कर सकते हैं। और इस 10 HP वाला जो ट्रैक्टर है इसमें तो मैडम जो किसान को बैल भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती और बड़ा बड़ा ट्रैक्टर भी रखने की जरूरत नहीं पड़ती, ये पूरा काम कर लेता है। जैसे कि नांगरटी से लेके घर को माल लाने तक जितने भी काम है खेत में के वो सभी काम कर लेता है। किसी भी तालुका लेवल पे अगर से कहीं पे भी ऑटोमोबाइल्स है तो वहीं पे उसका मटेरियल मिल जाता है इतने आसानी से उसका, और काम करने के लिए भी जो चलाता है आदमी वो देख लेगा, 1 4 6 महीने में उसको जब मालूम हो जाएगा तो वो खुद रिपेयर करेगा, उसको मैकेनिक के पास भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना इतना सुटेबल बनाया वाला है मैडम। आपके अनुभव के द्वारा आपने इतनी अच्छी इनोवेशन किया है और हर एक बारीकी का आपने ध्यान रखा है, सुन के इतना अच्छा लग रहा है कि आपने लास्ट में जो अभी कहा आपने कि किसी को मैकेनिक के पास भी जाना नहीं पड़ेगा उसको एक टाइम का इस्तेमाल करने के बाद, तो ये बहुत जी बढ़िया मैडम, बात है। तो सर, ऐसे आइडिया आपको आया कहाँ से, आप थोड़ा बताएं कि मुझे कि ये जो इंस्पिरेशन है आपको, इतना चीजें सोच के आपने इतने अच्छे तरीके से ये इन्वेंट किया है, आइडिया कहाँ से आया सर आपको, इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? मेरा कैसा है, मैं बचपन से ही हमारे भाई का एक गैरेज था, वो स्कूल छुटा कि वो गैरेज में जाके बैठता था, वो बैठते बैठते बाद में 6 7 7वीं तक स्कूल सीख लिया, उसके बाद वो स्कूल बंद करके पूरा टाइम गैरेज में ही देने चालू किया सर मैडम। फिर वो गैरेज में काम करते इस टाइम में बहुत सारे किसान हमारे पास आते थे, संपर्क में रहते थे, फिर हम भी किसानों को अभी हम ये बना रहे हैं ये तो सर्विस मिल रही है समझो, इसके पहले भी हम दूसरे भी कंपनी के ट्रैक्टर रिपेयर करते थे तो उनको सर्विस घर तक जाके दे देते हम। वो सर्विस घर तक जाके देने में उनके खेत में हम घूमने के बाद
कि खेत में क्या क्या अड़चन आ रही है किसानों को। जैसे अभी बड़े ट्रैक्टर से पेरनी करेंगे हम तो जमीन दबता है मैडम, तो क्या हम वो हमारे समझ में आ गया कि ये टायर के वजन के वजह से दब रहा है, इसलिए हमने इसको कम वजन में बनाना ये सोचे। फिर उसके बाद जब हम पूरा खेत खत्म होता है घूमते हैं, घूमने के बाद क्या होता है बड़े ट्रैक्टर को घूमने को जगह ज्यादा लगती है, उसको 2-3 बार आगे पीछे करना पड़ता है, उसमें क्या होता है और ज्यादा जमीन घट हो जाती है साइड की। तो हमने बोले वह जगह पे घूमना चाहिए, उसलिए हमने क्या किया थ्री व्हीलर ट्रैक्टर। जैसा कि अभी हम सीधी सीधी बात सोचेंगे तो एक कार है, अगर से एक कार गली में घुमाने को टाइम ज्यादा लगता है उसको, और वही ऑटो जगह पे घूम जाता है। वो सोच के हमने क्या किया उसको थ्री व्हीलर बनाना, वो हिसाब से हमने जगह पे घूमना बोल के थ्री व्हीलर बनाए। जी जी, तो ये इनोवेशन तो देखने में बहुत अच्छा लगता है, और सुनने के बाद ये देखने के बाद जब ये एक्चुअली काम कर रहा है ये तो जेन्युइनली बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन काम करने से जी बहुत बढ़िया काम करता है मैडम उसका ट्रैक्टर को, अगर से किसी ने देखेंगे तो ये एक चुप जुगाड़ बाइक बनाए है हमारे को घूमने घूमने के लिए स्टाइल में बाइक बनाया ऐसा लगता है, लेकिन उसका काम देखेंगे एक्चुअली तो जितना दिखता है खूबसूरत उससे ज्यादा काम भी खूबसूरत करता है मैडम। लेकिन जैसे आपने ये चीज इन्वेंट किया है, आप लाए हैं मार्केट में, तो जब ला रहे थे आप इसको इन्वेंट कर रहे थे तो आपको काफी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा होगा, तो कुछ बहुत बताइए आप अपने। हाँ हाँ बताइए चुनौती के बारे में। बहुत चुनौती का मैडम, जब हम ये बनाने का सोचे उसके बाद बनाते गए, फिर कुछ उसमें मुश्किलें आते गई तो तोड़ते गए, फिर ये आजू बाजू के लोग हमारे हंसने लगे कि अच्छा खासा धंधा चल रहा था रिपेयरिंग का, वो छोड़ के देखे इस काम के पीछे पड़ा है, और चल रहे सो रोजी बोले तो रोटी कमा रहे सो वो छोड़ के ये कब बनना और कब चलना, इतना छोटा का किसानों का काम करता है क्या, इतना छोटा ऐसा बना ऐसा ट्रैक्टर चलता है क्या, ऐसा बहुत सारे लोग बोलते थे। उसके बाद हम भी वो बनाने के टाइम में रिपेयरिंग पे का हमारा चालू बिजनेस पे का ध्यान पूरा कम कर दिए और पूरा काम उसी में लगा दिए, तो उसमें बहुत सारी दिक्कत आई, पैसे की परेशानी आई, पैसे की अड़चन आई, फिर ये काम छोड़ के इधर करने में बहुत सारी मुश्किलें हो रही थी मैडम, लेकिन फिर भी हम जिद छोड़े नहीं उसको, 1-1.5 साल तक उसको बनाते रहे। उसके बाद पूरा परफेक्ट हो गया, परफेक्ट होने के बाद फिर कुछ किसानों को हम दे दिए, तो हम ऐसा नहीं सोचे कि बहुत सारे किसान बाद में चला के देखने के बाद हमारे पास बुकिंग के लिए आए कि हमारे को ट्रैक्टर चाहिए, तो हम पूरे किसानों को नहीं दिए, उसमें से 4-5 किसानों को जो कि हम सर्विस दे सके ऐसा नजदीक 5 किसानों को दिए, एक उनके पास 4-6 महीने बढ़िया सा चलने के बाद फिर हम बाकी दूर के किसानों को देने चालू किए। तो जैसे आपकी चुनौतियों का आप सामना कर रहे थे तो उस टाइम पे आपको सपोर्ट कहाँ कहाँ से मिला? अगर आप किसी के शुक्रगुजार होंगे तो आप किन को बोलना चाहेंगे, कैसे किन्होंने आपको सपोर्ट किया? इसमें एक मेरा भाई का लड़का है जो हमारे भाई गुजर गए हैं 6-7 साल पहले, वो भाई का लड़का एक पूरे परेशानी के टाइम में वो कंटिन्यू मेरे साथ था, और एक हमारे बहन का लड़का भांजा है, ऐसे ये दो बच्चे मेरे साथ कंटिन्यू थे मैडम। जबकि हमारा रिपेयरिंग का बिजनेस था उस टाइम कारागिर थे हमारे पास 2-4, लेकिन वो कैसा काम ज्यादा नहीं चलने के बाद वो भी छोड़ के चले गए कारागिर में। बाद में उसके बाद ये हमारा भाई का बच्चा और ये भांजा दोनों ने हमको बहुत सपोर्ट किया और हम करते गए। तो किसानों के लाइक किन किन समस्याओं का समाधान इस मशीन से हुआ है और सबसे बड़ा है आगे? सबसे बड़ा मशीन इसका समाधान किसानों का जो खरपतवार हटाने का जो काम है, बाकी पेरने का बड़े ट्रैक्टर से हो रहा था, स्प्रेयर का बड़ा ट्रैक्टर साइड में लगा के कर रहे थे लोग, लेकिन जो खरपतवार हटाने के लिए उसको बैल ही जरूरी था, ट्रैक्टर अंदर डाल ही नहीं सकते, जब पीक बड़ा होता है तो ट्रैक्टर अंदर नहीं डाले, तो इसमें कैसा कम वजन रहने की वजह से एकदम ईजी अंदर से जाके खरपतवार हटा रहे, और थ्री व्हीलर होने की वजह से सामने वाले को चलाने वाले को भी इतना जजमेंट जम रहा है कि एक भी पीक को नुकसान नहीं होने दे रहा है। किसानों का सबसे बड़ा मसला था जो खरपतवार हटाना, वो इससे एकदम समाधान हो गया। दूसरी बात स्प्रेयर करने का है, तो वो पीठ पे पंप लेके स्प्रेयर करते थे किसान लोग, अभी एक ऐसा ट्रैक्टर में अगर से चलेगा तो ये ऑटोमेटिक स्प्रेयर करते जाएगा, पीछे 20 फीट जंगल एक टाइम में कवर कर देता है। अच्छा, तो हाँ ये किसानों के लिए बहुत समस्या का है। अभी कैसा है आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग खेत में जब स्प्रेयर करते हैं तो उसमें सांप होते हैं, बिच्छू होते हैं, ऐसे जानवर होते हैं, तो किसानों को दिक्कत आता है। वो ये कैसा ट्रैक्टर के ऊपर बैठ के चलेगा आदमी तो उसको उतना डर नहीं रहेगा। तो थोड़ा सा और कुछ बताइए इस ट्रैक्टर के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। अभी तक तो आपने बताया है कितना फ्यूल कंजम्पशन है,
कितनी चीजें आपने अटैच किया है, कुछ और बताइए इसके बारे में। तो इसके बारे में बोले तो हर किसान को इसकी जरूरत है मैडम, जिसको बैल वापर रहा है, जो अभी जिसका बैल रखने का, छोटे मोटे किसान है उनको बैल रखना भी नहीं होता है, तो बैल के लिए 1-1.5 लाख का बैल लगता है, उसके लिए एक आदमी रखना पड़ता है रात दिन बैल के पास रहने के लिए, वो एक अभी आदमी तो मिल रहा ही नहीं, 1-1.5 लाख रुपए दे के भी आदमी नहीं मिल रहा है। तो इसको, ये ट्रैक्टर को जब तक चलाए, आप खुद किसान अगर से समझो सर्विस को है कहीं, उसका सिटी में दुकान है, वो दुकान खत्म करने के बाद 5 बजे आएगा, सर्विस खत्म करने के बाद 5 बजे आएगा, तो एक ट्रैक्टर चलाएगा, 1-2 घंटे अगर से काम करेगा ये ट्रैक्टर पे, तो दिन भर जितना बैलों से काम होता है ये 2-3 घंटे में कर लेगा, और सुबह में उठ के ड्यूटी को जाने से पहले 1-2 घंटे कर लेगा, तो इसका 2-4 एकड़ का काम पूरा फाइनल हो जाएगा मैडम। सबसे बड़ी बात है किसानों के लिए। और दूसरी बात, हमारे पास अभी किसान सब छोटे छोटे किसान हो गए, जैसे कि अब हमें हमारे बाप दादा के जमाने में 50 एकड़, 20 एकड़, 30 एकड़ खेती होता था, लेकिन अभी खेती एकदम कम हो गया है, कोई भी किसान हुआ तो 4-5 एकड़, 3 एकड़ के ऊपर खेती नहीं रहेगा। अभी 3 एकड़ के लिए खुद का ट्रैक्टर बड़ा तो रखना मुश्किल है किसानों के लिए। दूसरी बात, बड़ा ट्रैक्टर अगर से किसी का लगाएंगे भी तो वो उसके टाइम पे नहीं आ सकता मैडम, क्यों तो वो बहुत जनों का काम लिए रहता है, इनके टाइम पे नहीं आता। तीसरी बात है भी, अगर से समझो बारिश हो गया है, आज बारिश गिरा तो पूरा जमीन कच्चा हो जाएगा, तो उसके बाद पेरने के लिए क्या होता है, 2-3 दिन के बाद उसमें बैल डाल सकते, जिस टाइम में बैल डाल सकते उस टाइम में हम ये छोटा ट्रैक्टर डाल सकते, और बड़ा ट्रैक्टर डालना है तो उसके लिए 8 दिन इंतजार करना पड़ेगा, समझो 8 दिन में और बारिश गिरा तो फिर उसका 1 महीना पेरनी आगे ढकल गया। वो इससे क्या होता है, बैल जिस टाइम में डालते तुम उस टाइम में बरोबर करेक्ट टाइम पे पेरनी हो जाता है और पिक भी अच्छा आता है। सही बात है। तो अब तक कितने कस्टमर्स, लाइक कितने लोग आपसे ले चुके हैं ये ट्रैक्टर? अब तक मैडम कम से कम 250 से 300 ट्रैक्टर हम बेच चुके हैं और सभी कस्टमर समाधान है मैडम इसमें। अच्छा, इसमें से तो दो तरीके के ट्रैक्टर्स है आपके, एक तो 10 वाला, एक 5 है। 5 HP में दो मॉडल है। अच्छा, 5 HP में भी दो मॉडल है, तो 10 HP ज्यादा बिका है कि 5 HP वाला ज्यादा बिका है? ज्यादा 10 HP बिका है मैडम, अभी 5 HP का हम इसी साल लॉन्च किए हैं मैडम। अच्छा, इसी साल लॉन्च किया है, तो अभी लॉन्च करते के साथ कितना बिका है वो? 5 HP का भी 60-70 ट्रैक्टर बिक गए मैडम। अच्छा, उसमें भी किसान भाई कितने अफोर्डेबल है ये किसान भाइयों के लिए, और नॉर्मल ट्रैक्टर से ये कितना अलग है, थोड़ा सा आप इसमें बताइए। नॉर्मल ट्रैक्टर से तो ये अलग इसलिए है कि किसान भी इसलिए पसंद कर रहे हैं कि खरपतवार हटाने का और अंदर जाके स्प्रेयर करने का ये बड़ा ट्रैक्टर काम नहीं करता, कोई भी मशीन काम नहीं करती, उसके लिए ये सबसे फायदेमंद है किसानों के लिए, इसलिए किसान ज्यादा उसको उसी काम पे ज्यादा लाइक कर रहे हैं। और दूसरी बात, 4 फीट के गन्ने में कोई भी ट्रैक्टर नहीं चलता, कोई भी कंपनी का, जो समझो कुछ मिनी ट्रैक्टर अभी आए हैं वो चलते हैं तो 1 साल चलते हैं। अभी हमारे पास किसान क्या करते हैं, एक बार गन्ना लिए तो 3 साल तक उसी गन्ने को लेते हैं बाद में, तो वो बाद में क्या होता है, 1 साल में पहले साल में जगह ज्यादा रहता है, दूसरे साल में गन्ने का वो जगह कम हो जाता है बाद में, तो उस टाइम में कोई भी ट्रैक्टर नहीं चलता, तो ये ट्रैक्टर एकदम ईजी से चल जाता है मैडम, तो ऐसे किसानों के बहुत सारे समस्या ये हो रहे हैं। और दूसरी बात, हमने इसमें ये 10 HP वाला मॉडल है, इसको हमने हिसार में टेस्ट भी किया है और उसका टेस्ट रिपोर्ट भी आया है मैडम। अच्छा, और उसको थोड़े दिन में सब्सिडी भी मिल जाएगा अभी। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। तो अब तक जितने भी आपके कस्टमर्स ये ट्रैक्टर्स को लिया है, उनका फीडबैक क्या रहा है खरीदने के बाद, वो जब इस्तेमाल कर रहे हैं ये सारे, तो फीडबैक क्या रहा है? अच्छा फीडबैक रहा है सर मैडम, जो भी कस्टमर ले जाए उन्होंने हमको एक दो कस्टमर और दिए मैडम। हम अभी तक किसी का कोई मार्केटिंग नहीं किए, हम कहीं इसका डीलर नहीं बनाए, या हम किसी को जाके घर तक बताए नहीं ट्रैक्टर ऐसा है बोल के, ये कस्टमर का ही ये है जो फीडबैक, जो हमको बाद में और कस्टमर मिले हैं। तो सबसे एक अच्छा फीडबैक आप मुझे शेयर कीजिए, जो अपने कस्टमर ने आपको आके बोला है, तब आपको अपने ऊपर बहुत गर्व महसूस हुआ होगा वो सुनने के बाद। जी मैडम, ऐसा कि हम जो हमारा एक बीड साइड में एक ट्रैक्टर दिए, उन्होंने उनके पास बड़े 2 ट्रैक्टर थे, तो भी उनको वो खरपतवार हटाने का मुश्किल हो रहा था, इसलिए उन्होंने हमारे पास से ट्रैक्टर लेके गए। लेके जाने के बाद उन्होंने चलाए, चलाने के बाद हमको खुद उन्होंने वीडियो बना के भेजे, जो कि जिस चीज से हम भी उतना चला नहीं सकते थे, हम पहले 2-3 उसके पीछे खरपतवार हटाने लगाते थे, उन्होंने 5 लगा के चला दिए और एकदम बढ़िया सा चला, तो उन्होंने वीडियो डाले, इस पे 5 भी चलते हैं और पूरा अच्छे से खींच रहा है ये,
उन्होंने उसके बाद उनके जो नजदीक के रिश्तेदार हैं उनको भी 5-6 जनों को लेने लगा है ट्रैक्टर, और उधर के कुछ अगर से किसी को दिक्कत भी आया तो वो खुद जाके दिखाते हैं, वो ऐसा नहीं ऐसा चलाओ तुम, बढ़िया चलता है बोल के। ठीक है, तो सर ये जो आपने ट्रैक्टर इन्वेंट किया है तो अभी जो ट्रैक्टर्स मार्केट में ऑलरेडी है इनसे इनके मुकाबले आपका जो ट्रैक्टर है कितना अफोर्डेबल है? मैडम इन ट्रैक्टरों से ज्यादा ये है, ये सबसे पहली बात, बाकी ट्रैक्टर 700-800 किलो के आगे वेट आता है इनका, हमारे ट्रैक्टर में 450 केजी वेट है। दूसरी बात टायर साइज बाकी ट्रैक्टरों का 8-9 इंच के आगे रहता है, 8-9 इंच 10 इंच, हमारे ट्रैक्टर का 6 इंच टायर साइज है, उसके लिए वो कम जगह में से चलता है। तीसरी बात ये थ्री व्हीलर होने की वजह से घूमने को जगह ज्यादा नहीं लगती। चौथी बात बैठने के लिए एकदम कंफर्टेबल है, जैसे कि मोटरसाइकिल पे बैठते हैं हम, वैसा बैठने के लिए ड्राइवर को चलाने के लिए भी एकदम आरामदायक है। तीसरी बात जो ट्रैक्टर है वो ट्रैक्टर के पीछे साइड में लोग बैठते हैं ड्राइवर लोग, वो सामने का दिखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो हमारे ट्रैक्टर में एकदम सेंटर में बैठता है आदमी, इसलिए सामने का पूरा क्लियर दिख जाता है। ये ऐसे इतने फायदे हैं उसके ट्रैक्टर बाकी ट्रैक्टर में। फ्यूल कंजक्शन का अगर से देखें तो कोई भी ट्रैक्टर मार्केट में का 1 लीटर डीजल में बोले तो 1 घंटा चलने में कम से कम 2 लीटर से 2.5 लीटर तक फ्यूल कंजम्पशन रहता है किसी भी नॉर्मल ट्रैक्टर मार्केट में का, जो भी कोई भी लेंगे तो हमारे ट्रैक्टर में 1 लीटर डीजल में 1.5 घंटा चलता है, यानी कि उससे आधे से भी कम डीजल में ट्रैक्टर चलता है। तीसरी बात रही, हाँ दूसरी बात ऑयल का जो मेंटेनेंस है, किसी भी ट्रैक्टर में 3 लीटर 4 लीटर 5 लीटर सर्विसिंग के लिए ऑयल लगता है, हमारे ट्रैक्टर में सिर्फ 2 लीटर ऑयल में सर्विसिंग हो जाता है, यानी कि सर्विसिंग में भी 500-700 रुपए के मोटरसाइकिल के खर्चे में सर्विसिंग हो जाता है इसका। मैडम तो अभी आपके आगे के क्या प्लान्स है सर, आगे आप और हमारे लिए हमारे किसान भाइयों के लिए क्या लाने वाले हैं आप? अभी इसमें हम जो कि अभी हार्वेस्टर मशीन बनाए जो कट करके अच्छा। खाली साइड में जो डिग डालता है, तो हम इसमें अभी इसको कन्वर्ट करके सीधा पीछे की तरफ लेके जाके उसमें पीछे साइड में जो रास करने का मशीन रहता है तो वो बिठा के हम उसके अंदर हार्वेस्टिंग डायरेक्ट करने का चालू है हमारा काम। हाँ तो ये कब तक आप आशा करते हैं कि ये फाइनलाइजेशन स्टेज पे आ जाएगा? ये सोयाबीन के रास तक हम उसको सोयाबीन जब निकालने आता है ये सीजन का, उस टाइम तक हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा इसी आशा है मैडम हमको। अच्छा मंथ कौन सा मंथ रहेगा? वो नवंबर के आसपास होता है मैडम। आप प्लीज ऐसे और भी इन्वेंशंस कीजिए, हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। बाकी अगर आप कुछ आप अपना एक्सपीरियंस या हाँ बताइए। जी मैडम, हम अभी किसानों में ट्रैक्टर बोल के नहीं, ऐसे बहुत सारे विंडो जो हमारे किसानों को जो लगते हैं, हम बहुत सारी सस्ती चीजें जैसे कि इसे बॉडी से पानी निकालने का या ऐसे बहुत सारे आइटम हम बना के देते हैं किसानों को। कोई भी अभी यहाँ के आसपास के एरिया में कोई भी किसी चीज को नया कोई अगर से अल्ट्रेशन करना चाहे तो वो सीधा हमारे पास ही आते हैं किसान भी। बहुत सारे ऐसे आइटम जैसे हमने बनाए हैं इसमें ट्रैक्टर के अलावा भी खेत में चलने वाले बहुत सारे आइटम है मैडम हमारे। बताइए एक आधा आइटम बताइए ना, कौन से हैं जो आपको सबसे ज्यादा आपको अच्छा लगता है वो आप बताइए, या सबसे ज्यादा किसका डिमांड है वो आप बताइए। हाँ जैसा कि अब स्प्रेयर का मशीन है, बाद में पानी खींचने वाला जो है, अभी पानी खींचने के लिए हमारे पास जो कि कैनल रहता है और वो वहाँ पे कैसा है कोई किसान रुकता नहीं, फिर अब वो बड़ा इंजन और मोटर कैनल पे बिठाने का बोले तो वो चोरी होने का डर रहता है, उसलिए हम क्या करते हैं वो ट्रैक्टर के साथ जुड़ा के पानी निकालना भी, और साथ में ट्रैक्टर लेके आएगा तो वो साथ में भी आएगा वो। ठीक है ओके, तो कोई किसान भाइयों के लिए कोई संदेश देना चाहते हैं आप? किसान भाइयों के यही संदेश रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा किसान टेक्निकल खेती करे और ज्यादा से ज्यादा किसान ऐसा मशीनरी से खेती करेंगे तो जैसा किसान हमारे इतना रात दिन मेहनत करके किसान भाई परेशान है हमारे टाइम पे लेबर नहीं मिलने की वजह से, एक तो पहले उनके पास पैसा नहीं रहता, टाइम पे बीज नहीं मिलता, खाद नहीं मिलता, उसमें फिर टाइम पे लेबर नहीं मिला तो वो सब काम लेट हो जाते हैं किसानों के। ज्यादा से ज्यादा किसान अगर से ऐसा मशीनरी से काम करेंगे
तो उनके लिए भी अच्छा होगा, कम टाइम में कम पैसे में काम हो जाएगा, वो भी किसान भी अच्छा मजे में रहेंगे मैडम। जी बिल्कुल, टूल्स विला भी यही चाहता है कि किसान के पास जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके टेक्निकल चीजें पहुंचे, तो जी जी इसी मैडम। जी बिल्कुल यही टूल्स विला भी आशा करती हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। हम आशा करते हैं जी आपकी मैडम, तरफ से और भी इन्वेंशन हमें हमारे किसान भाइयों को मिलेगा, और हम आपसे बातचीत करते रहेंगे टूल्स विला के तरफ से। तो जी अभी के लिए मैडम, नमस्कार। धन्यवाद मैडम, नमस्कार। नमस्कार।